राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अगले साल 19,000 करोड़ रुपए का महंगाई राहत पैकेज देने की घोषणा की है। इस पैकेज में गरीब परिवारों को हर माह निशुल्क फूड पैकेट 500 रुपए में, रसोई गैस सिलेंडर तथा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली शामिल है। इसके साथ ही गहलोत ने जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की अपनी महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए सालाना करने की घोषणा की है। गहलोत ने कहा, मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग 1 करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष में निशुल्क राशन के साथ प्रति माह निशुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं। इस पैकेट में 1-1 किलोग्राम दाल, चीनी एवं नमक और 1 लीटर खाद्य तेल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के लगभग 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष से एलपीजी गैस 500 रुपए में उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस पर 1,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। गहलोत ने कहा, घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री ने शुल्क योजना के तहत 100 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त दी जाएगी। यह सीमा पहले 50 यूनिट थी। इससे प्रदेश के 1.19 करोड़ में से 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली में शुल्क मिल सकेगी। इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए का भार वहन करना होगा। गहलोत ने कहा, चरणबद्ध तरीके से 300 यूनिट प्रति माह उपभोग करने वाले घरेलू उपयोगिताओं को निशुल्क बिजली उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। हम डीजल एवं पेट्रोल पर लागू वैट मूल्य संवर्धित कर को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपए की छूट को आगे भी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, आगामी वर्ष सस्ते एलपीजी सिलेंडर एवं निशुल्क घरेलू बिजली के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है।